हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की मौसम पूर्वानुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली है बारिश की गतिविधियाँ। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक लो प्रेशर एरिया देखा जाए तो वर्तमान में राजस्थान के पश्चिमी भागों से सटे पाकिस्तान के आसपास केंद्रित हैं। इसी के प्रभाव से देखा जाए तो आज राजस्थान के कई इलाकों में अरब सागरी शाखा से आने वाले बादलों से मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। हो सकता है इन क्षेत्रों में तेज हवा का प्रभाव देखने को मिले। विशेषतः तेज हवा का प्रभाव आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के इलाकों में देखने को मिल सकता है। एक अन्य ट्रफ की बात करें तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों से होते हुए पाकिस्तान के मध्य भागों से होते हुए दक्षिणी पाकिस्तान के आसपास बनी हुई है। और मानसून ट्रफ देखा जाए तो वर्तमान में उत्तरी राजस्थान के इलाकों से होते हुए दिल्ली के आसपास, पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे इलाकों पर बने एक सर्कुलेशन से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसी के प्रभाव से देखा जाए बिहार, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर पूर्वी मध्य प्रदेश से लगाकर राजस्थान के पूर्वी भागों में भी इसका प्रभाव आज कुछ समय के लिए देखने को मिल सकता है। मानसून ट्रफ के प्रभाव से देखा जाए तो आज उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में भी दोपहर के समय हल्की बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। जीएफएस मॉडल के अनुसार देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। विशेषतः देखा जाए राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में अरब सागरी शाखा से आने वाले बादलों से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। विशेषतः जालौर, जोधपुर, बाड़मेर से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा तक कहीं की हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में भी इन क्षेत्रों में भी आज कहीं की हल्की बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। जयपुर, अलवर के आसपास भी आज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है क्योंकि वर्तमान में इन क्षेत्रों में मानसून ट्रफ सक्रिय नजर आ रही है। बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में एक साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। और WD के प्रभाव से देखा जाए तो उत्तरी हिमालय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए उत्तरी हिमालय क्षेत्रों सहित पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ते हुए देखने को मिलेगी क्योंकि मानसून ट्रफ जल्दी उत्तरायण होने की संभावना है। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। विशेषतः देखा जाए तो आज राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरत, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के इलाकों में भी कहीं कहीं तेज खंड बारिश की गतिविधियों के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ये बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के समय देखने को मिल सकती हैं, उसके बाद से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। बाकी जैसलमेर, बीकानेर के कई इलाकों में भी हल्की बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। टोंक, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी आज कहीं की मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार तो एक दो इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। नागौर, अजमेर से लगाकर बीकानेर, सुरुई के इलाकों में कहीं की तेज खंड बारिश की गतिविधियां सुबह से ही आपको दक्षिणी दिशा से आने वाले बादलों से इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी कहीं की तेज बारिश की गतिविधियां अरब सागरी शाखा से आने वाले बादलों से देखने को मिल सकती हैं। इन क्षेत्रों में घने बादलों का जमाव देखने को मिलेगा और कहीं की हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादलों से कहीं की तेज तो कहीं की हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिणी दिशा से आने वाली तेज हवाओं के साथ इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। सिरोही, राजसमंद के क्षेत्र में भी आज अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादल देखने को मिल सकते हैं। जैसलमेर, जोधपुर के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी कहीं की हल्की तो एक दो इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादलों से दक्षिण दिशा से जो बादल आते हैं इन्हीं क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। विशेषतः देखा जाए तो आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में आज ये बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरत, झुंझुनू के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में मानसून ट्रफ वर्तमान में इन क्षेत्रों के आसपास से गुजर रही है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जैसे ही मानसून ट्रफ उत्तरायण होती जाएगी तो बारिश की गतिविधियां उत्तर की ओर शिफ्ट होती जाएगी और बारिश की गतिविधियों में हल्की कमी देखने को मिल सकती है और हो सकता है कहीं की तेज बारिश की गतिविधियां इन्हीं क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सूरत, झुंझुनू, सीकर, अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर के इलाकों में, जयपुर तक ये बारिश की गतिविधियां
आज दोपहर के समय आपको देखने को मिल सकती हैं और कहीं की तेज बारिश की गतियां तो कहीं की हल्की बारिश की गतियां संभावित हैं। संपूर्ण भारत में देखा जाए तो वर्तमान में किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी हुई है। सैटेलाइट इमेज की बात करें तो वर्तमान में मानसून ट्रफ इन्हीं भागों के आसपास केंद्रित है और मानसून ट्रफ के उत्तर में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं और दक्षिण में देखा जाए तो अरब सागरीय शाखा से आने वाली नम हवाओं के प्रभाव से इन क्षेत्रों में बादलों का निर्माण हो रहा है और एक सर्कुलेशन वर्तमान में देखा जाए तो बिहार के आसपास बना हुआ है जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में काफी घने बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं की मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल सकती है। राजस्थान के बीकानेर में देखा जाए बीकानेर से लगाकर चूरू झुंझुनू सीकर से लगाकर जयपुर अलवर नागौर तक कहीं की मध्यम से तेज तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्र में कहीं की मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल रही है। बाकी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर के कई इलाकों में भी अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादलों से काफी बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और कहीं की हल्की बारिश की गतियां इन्हीं क्षेत्रों में भी संभावित हैं। आने वाले 24 घंटों के बाद देखा जाए तो राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतियों में कमी देखने को मिल सकती है। विशेषतः देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बारिश की गतियां अरब सागरीय शाखा से आने बादलों से देखने को मिल सकती हैं और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश की गतियां संभावित हैं। बाकी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के बाद से बारिश की गतियों में कमी देखने को मिलेगी और विशेषतः इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल सकता है। उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश की गतियां कई कई इलाकों में संभावित हैं परंतु 24 घंटों के बाद देखा जाए 48 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतियों में कमी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर आपके लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।